जय माता दी। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपसे रुष्ट हो गया है, यानी कि रूठ गया है, आपकी बात नहीं मान रहा है, हर बात में आपके बीच में झगड़े होते रहते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपके पति और आपके बीच में कोई दूसरी महिला आ गई है, या फिर आपके पति अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं और आपको बिल्कुल समय नहीं देते, तो दोस्तों इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कारण नहीं होता, हमें कोई कारण नहीं दिखाई देता, लेकिन तब भी हमारे बीच में यानी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता है, हर बात को लेकर अनबन बनी रहती है, दोनों के बीच का जो प्रेम है वो खत्म हो जाता है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई समस्या आ रही है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है और ऐसा क्या उपाय करें कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारा प्यार आ जाए, किसी भी तरह की कोई अनबन ना हो, सारे झगड़े खत्म हो जाए। तो दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिलेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में हो रही अनबन के बारे में। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं अपने पति के व्यवहार की वजह से या अपने प्रेमी के व्यवहार की वजह से, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय जिससे कि आपके और आपके पति के बीच में बहुत सारा प्यार आ जाएगा। आपको रोजाना जब भी आप पानी पीते हैं उस समय आपको बस एक काम करना है, और वो ये करना है कि आपको भगवान कृष्ण को याद करते हुए भगवान कृष्ण के बारे में सोचना है, और उसके बाद एक मंत्र बोलना है, और खुद का जो पानी है जिसमें आप जिस भी ग्लास में आप पानी पीती हैं उस ग्लास के पानी पर आपको फूंकना है और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए पानी को पी लेना है। जी हाँ, दिन में जितनी बार भी आप पानी पीती हैं, हर बार आपको कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए उनका मंत्र बोलना है, पानी पे फूंकना है और प्रणाम करते हुए पानी पी लेना है। मंत्र बेहद आसान है, शायद आपने कभी सुना भी हो। ये मंत्र पति पत्नी के बीच में प्रेम उत्पन्न कर देता है, यानी कि अगर आपका प्रेम खत्म हो गया है तो वो प्रेम फिर से आ जाएगा और आपके पति या आपका प्रेमी आपसे फिर से बहुत सारा प्यार करने लग जाएगा। मंत्र है ओम क्लिम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको सिर्फ एक बार करना है दोस्तों, और एक ही बार करके पानी पे फूंक कर पानी को प्रणाम करते हुए आपको उसको ग्रहण कर लेना है। यकीन मानिए सिर्फ एक या दो दिन के अंदर अंदर आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे करके सुलझ जाएगी। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आखिर ये समस्या कैसे सुलझ गई, लेकिन ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर है दोस्तों, तो आप इसे कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है या आप हमें कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, तो हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकती हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।